हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर नवदीप सिंह और हम बहुत दिनों से भाई जुड़ नहीं पाए, उसके लिए सबसे पहले टेक्निकल एरर के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं। लेकिन हमारे जो परंपरा के शो हैं जो कि मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, यानी ट्रिकी जीएस विद कॉन्सेप्ट और उसके साथ साइंस का पारंपरिक द 2020 शो एंड उसके अलावा लेकर के आता हूं आपके लिए टीकैस यानी कि द करंट अफेयर्स शो, इन सभी को हम उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से अभी तक कंटिन्यू करते आए हैं। बहुत जल्दी ही आपके साथ जुड़ेंगे इन सभी तीनों शोज के रेगुलर फॉर्मेट के साथ। तो साइंस का 2020 शो, सबसे पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं भाई आपके सामने। ये है साइंस का आज का 2020 शो और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति किस पोजिशन में खड़े होकर के पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन लगा सकता है। अब सिटिंग पोजिशन है, स्टैंडिंग पोजिशन है, लाइंग पोजिशन या लेटने की स्थिति है या नन ऑफ दीज। तो भाई इसका सबसे पहले आंसर देख लीजिए भाई, सेकेंड आंसर है सही। और सेकेंड आंसर क्यों सही है मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो इंसान खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक जगह पर खड़े होने पर कोई भी इंसान मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकता है वो मैक्सिमम फोर्स अपने उसी पॉइंट पर लगाता है जिस पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए ये कोई इंसान है और ये इंसान इस तरह से खड़ा हुआ है किसी भी एक पोजिशन पर, तो ये देखिए इसके ग्राउंड पर जहाँ पैर छू रहे हैं इन दोनों पोजिशंस पर सबसे ज़्यादा पॉइंट पर लोड लग रहा है और जितना ज़्यादा लोड लगेगा उतना ही फोर्स ये ट्रांसमिट करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि याद रखिए जितना ज़्यादा इसके शरीर का एरिया टच करेगा उतना ही फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वजन की बात करते हैं और वजन फोर्स से ही कंप्यूट किया जाता है, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं। फोर्स हमेशा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज़ याद रखें। फोर्स की यूनिट और वेट की यूनिट को हम इक्वेट करके देखते हैं, हमेशा याद रखेंगे। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ेगा फोर्स घटेगा, लेकिन अगर एरिया घटेगा यानी इंसान सिर्फ खड़ा होगा और पैर टच हो रहे होंगे उस समय पर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो इस कंडीशन में वजन सबसे ज़्यादा लगाता है इंसान। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर कि अगर एक आइस की पीस को ले जा करके आप कैरोसिन के किसी कंटेनर में डाल दें तो जब आइस पूरी तरह से पिघल जाएगी तो कैरोसिन के लेवल में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले आंसर देख लो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर किसके स्तर की बात करें, कैरोसिन के स्तर की बात करें। अब सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक कंटेनर है जिस कंटेनर में यहाँ तक भरा हुआ है कैरोसिन, आपने एक आइस की जो आपका टुकड़ा है वो आइस का टुकड़ा आपने डाल दिया, मान लीजिए आइस का टुकड़ा पिघल गया और पिघलने के बाद इस लेवल तक आइस है, लेकिन उसके बावजूद जो कैरोसिन है वो कैरोसिन थोड़ा सा ऊपर चला जरूर जाएगा लेकिन रहेगा तो उतना ही जितने स्तर पर वो था। तो देखें ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे लिक्विड में राइज हो रहा है, यानी लिक्विड हमारा जो अमाउंट है वो अमाउंट बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन कैरोसिन के स्तर को देखें तो कैरोसिन का स्तर तो उतना ही है जितना यहाँ पर था, कैरोसिन के स्तर में थोड़ी ना कोई बदलाव आया है। तो होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं भाई यंग्स मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है, एक चीज़ याद रखें, बिल्कुल आंसर याद रखिएगा। यंग्स मॉडुलस जो है ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड अंडर द लोड, यानी अगर मान लीजिए हम इस मटेरियल पर कोई भी लोड लगाते हैं, कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो अगर एक दिशा से दूसरी दिशा पर इसके कोई फोर्स लग रहे हों तो उस समय पर ये रेजिस्ट करेगा और चाहेगा कि हम अपनी कंडीशन को ना चेंज करें, अपनी पोजिशन को ना चेंज करें। सबसे पहली चीज़, इसके लेंथ में अगर कोई बदलाव आए जिसे हम इलोंगेशन कहते हैं, तो आए हुए इलोंगेशन को हम कहते हैं स्ट्रेन। और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि इस पूरे के पूरे ब्लॉक में ये फैलने के अगेंस्ट, यानी ये फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगा जो कि इस ब्लॉक के बीचों बीच के अंदर की तरफ होगा और इसे कहा जाता है स्ट्रेस। तो होप आपको ये क्लियर है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली इसी इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, हाउ अ मटीरियल रीगेन्स इट्स शेप व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ फोर्स। तो होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटिटी स्थिर रहती है, तो इसमें कौन सी क्वांटिटी है भाई। देखो एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए एक कक्षा में, आंसर आप लोग देख सकते हैं, एक कक्षा में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है
किसी भी ऑब्जेक्ट के घूमने पर उसकी एक जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती, और वो है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर रहेगा और वो इसी तरह से पूरे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहेगा। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस देन इट इज अ। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि में अगर विद्युत की चालकता बढ़ जाती है, तो विद्युत की चालकता बढ़ने पर यह क्या है? सबसे पहले तो ये तो देखिए, इसका आंसर जो है, आंसर है सेमीकंडक्टर। भाई एक सेमीकंडक्टर है, और क्यों सेमीकंडक्टर है? क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो पहले इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं देते। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उनमें से फ्लो करवाई जाती है तो पहले वो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा करें और टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस समय पर ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लग जाते हैं या किसी भी एनर्जी को फ्लो करने लग जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर की विद्युत चालकता बढ़ती है अगर उसकी तापमान में वृद्धि हो जाए, तो अगर आप इसको हीटअप कर देंगे तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी इसकी विद्युत चालकता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई फोर्स और वेलोसिटी के उत्पाद को क्या कहते हैं, क्या होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी? तो याद रखेंगे हमेशा पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो पावर इसका सही आंसर है, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके डिस्कस कर रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइजेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा अधिकतम होती है, या किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? अब देखिए दो तरह की हीट होती है। सबसे पहले हीट, याद रखिएगा हीट का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है, बट देर इज नथिंग लाइक हीट। हीट जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो याद रखें, हमेशा कभी भी किसी बॉडी के अंदर हीट नहीं होती, वो जो होती है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। और जब ये आंतरिक ऊर्जा तापमान में अंतर होने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है तो उसे हीट कहते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। इंटरनल एनर्जी व्हेन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज कॉल्ड हीट। सो इंटरनल एनर्जी का जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो हीट कहलाएगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और दो तरह से हीट को हमने यहाँ पर रख दिया, एक हीट होती है लैटेंट हीट और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? लैटेंट हीट का मतलब छुपी हुई हीट। जब भी कोई बर्फ़ का टुकड़ा अगर आप यूं ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दो तो धीरे धीरे अपने आप वो मेल्ट होकर के आइस हो जाता है। जितनी ऊष्मा उस बर्फ़ के टुकड़े ने ली, जिस ऊष्मा को लेने के बाद वो अपने आप पिघल करके पानी बन गया जबकि हमने उसे कोई टेम्परेचर नहीं दिया, उसे कहते हैं हम लैटेंट हीट, यानी जिसे कहते हैं छुपी हुई हीट। दूसरा है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक या स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी आइस के टुकड़े को प्रॉपर ऊष्मा दे करके उसे पानी में तब्दील करें, या किसी भी आप अमाउंट ऑफ वाटर को स्पेसिफिक हीट दे करके, यानी प्रॉपर हीट का अमाउंट दे करके उसे भाप में तब्दील करें, यानी वेपराइज करें, तो उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए इनमें से सबसे पहले आंसर तो आप देख लो, आंसर है आपका पानी। पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके डिस्कस कर रहे हैं भाई कि प्रेशर में इंक्रीज होने पर किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, यानी दबाव में अगर वृद्धि हो तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा। क्वथनांक हमेशा बढ़ेगा जब जब, याद रखिएगा, जब जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा तब तब टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अर्थ की बात करें, पृथ्वी है, पृथ्वी में जैसे ही आप केंद्र की ओर जाते हैं जितना नीचे आप जाते हैं उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है। जितना प्रेशर बढ़ेगा वो बदलाव आपको महसूस होगा, आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द मेजर ऑफ, वैद्युतीय ऋणात्मकता किसका मापन है? और ये जो विद्युतीय ऋणात्मकता है ये एक्चुअली नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। सबसे पहले चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है आपका वो ये है, इलेक्ट्रिकली निगेटिव होते हैं अधातुएं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी और जो आपकी हीट है इन सब की सुचालक होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव कैरेक्टर को कौन शो करेगा?
है ना, विद्युत की ऋणात्मकता को कौन शो करेगा, तो ये सही आंसर है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यही शो करेगा। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर्स और दे आर द पुअर कंडक्टर्स और यू मे कॉल इट दे आर समटाइम्स इंसुलेटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए भाई, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द, एक पिंड पर बल द्वारा घूर्णन का प्रभाव किस एंटिटी में व्यक्त किया जाता है, कौन सी ऐसी एंटिटी है, गुरुत्वीय केंद्र में व्यक्त करते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं बल का आघूर्ण। तो याद रखिएगा, जब भी घूर्णन है और किसी एक एक्सिस के अबाउट घूर्णन है तो उसे हम बल का आघूर्ण कहते हैं, वो मोमेंट होता है जो फोर्स द्वारा जनरेट किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और इसी के साथ आपसे यहाँ पर लेते हैं विदा। हम लोगों ने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, ये क्वेश्चन हो सो आपको फिजिक्स के सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं पर भी क्वेरी है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ज़रूर। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपके नए वाले सेशन में, जिस नए सेशन में हम लोग, हम और आपके मैथ्स वाले सर कुछ तो आपके लिए नया लाने वाले हैं, तो वहाँ पर मिलेंगे और उस वीडियो में आप लोग जानेंगे क्या नया आपके लिए आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।